तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आप बस आप देखिए कितना इसमें पिंग आ रहा है और कितना स्टेबल आ रहा है। ठीक है, मैं पहली बात क्लियर कर देता हूँ, मैं जियो के लिए और मतलब एक खास जियो के लिए और अगर जो अदर यूजर हैं उनके लिए भी वीपीएन काम करेगा। एक वीपीएन जियो के लिए और एक वाईफाई मतलब जियो और वाईफाई के लिए एक वीपीएन है और एक वीपीएन है जो अदर सिम के लिए। तो आप बस देखिए वीपीएन ये जो पिंग नीचे दे रहा है 76, 88 और 76 इतना दे रहा है, ये कॉन्स्टेंट दे रहा है। तो आप बस पिंग देखिए कितना का रहा है। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पिंग फिक्स हो जाएगा। अगर आप जियो यूज कर रहे हैं तो और फिक्स हो जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। ठीक है, मैं आपको सारी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ कि कौन सा वीपीएन यूज करना है और बहुत ही बेहतरीन चलने वाला है। तो अगर आपको वीपीएन से काम चलता है, सही चलता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपको रोजाना मिलेगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ होप आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं बता दूं कि इसमें वीपीएन आपको दो वीपीएन बताऊंगा। एक है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है 11 वीपीएन और एक है आई टॉप वीपीएन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहले जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कैसे आप दो वीपीएन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दो ही वीपीएन बताने वाला हूँ, एक जियो यूजर के लिए और एक अदरवाइज सिम यूजर के लिए। तो चलिए मैं पहले अब बिना अदरवाइज बिना जियो यूज करते हैं फिर बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करना है आई टॉप वीपीएन। ठीक है, आई टॉप वीपीएन, देखिए जैसे मैंने आई टॉप लिखा ये ऊपर आ गया है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा दूँ कि ये अभी तक का मैं बेहतरीन है वीपीएन पबजी के लिए या पबजी लाइट वगैरह के लिए। इसमें आपको देखिए स्टेबल एंड स्टेबल इंटरनेट स्पीड मिलती है और ये जो कनेक्शन है ये इम्प्रूव की गई है, मतलब न्यू चीज़ ऐड की गई है जल्दी। तो ये मतलब आप लोगों के लिए अच्छा वीपीएन है। तो ये वीपीएन है आपको जल्दी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा आई टॉप वीपीएन। इसमें आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जैसे कि अच्छी कनेक्शन के लिए, पर आप मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी अपडेट ना करिएगा, वैसे ये बहुत अच्छा आपको वीपीएन देगा। तो इसमें थोड़ा ऐड वगैरह भी आते हैं तो हम इसको जल्दी कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे सर्वर देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर गेम्स स्पेस देखेंगे वगैरह वगैरह, आपको क्लिक कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कनेक्ट और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे और ये तुरंत आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐड दिखाएगा तो आपको ऐड कनेक्ट निकला है तो ये कनेक्ट हो चुका है। और ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, पबजी लाइट भी दिखा रहा है, पबजी लाइट SC यहाँ पर ये तुरंत चेक कर लिया गया। तो ये बहुत बेहतरीन वीपीएन है, इसको यूज करना कर सकते हैं। तो अब फिर मैं सेकेंड वीपीएन बताता हूँ जो पबजी लाइट के लिए मतलब जियो यूजर के लिए। तो फिर से प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको चुका था, अब ये सही हो चुका है जो है 11, ये 11 वीपीएन और ये भी मतलब बेहतरीन इस समय का चल रहा है। ये जो जियो यूजर्स हैं एंड वाईफाई यूजर्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और इसको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये कनेक्ट हो जाता है और आपका पबजी लाइट बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। तो इसके लिए आपको एक और चीज़ करना होगा, जो जियो यूजर हैं जो और अपनी स्पीड MS कम करना चाहते हैं तो आपको जियो पे कॉल करना होगा। दूसरे नंबर पे आपको घर में जो भी जियो कॉल जियो सिम होगी उस पर कॉल करना होगा। तो जैसे कॉल करेंगे वहाँ पर आपको होल्ड करना है और लाउड स्पीकर पे कर लेना है। ठीक है,
जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ एक, अगर आपके पास कोई जियो सिम नहीं है तो मैं एक नंबर बताता हूँ जिसको आपको, तो यहाँ पे आने के बाद मैं बता दूँ कि आपको किसी सिम जो अदर सिम है आपके घर में आपको वहाँ पे डायल कर लेना है। तो यहाँ पे डायल करेंगे तो आपको मतलब आपको यहाँ पे देखिए जब फ़ोन उठने के बाद आपको यहाँ पर होल्ड करना है और ये लाउड स्पीकर कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कट कर देना है और अपना गेम इंजॉय करना है, ठीक है। और इस तरह करने के बाद आपका गेम फिक्स हो जाएगा, मतलब गेम कर रहा हूँ एम एस पिंग फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं फिक्स हुआ तो हमें कमेंट करके बताएं, अगर फिक्स हुआ तभी कमेंट बताएं, आपकी ज़रूर हम हेल्प करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।